हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो इससे पहले कि जो सेकंड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख लो, उधर मिल जाएगा। बाकी मैथमेटिकल टूल्स की भी एक प्लेलिस्ट बनाई है मैंने, आप जाके देख सकते हैं। तो बच्चों, हल्का सा आज इस चैप्टर का मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, जिसके बिना आगे जाके आप लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है अगर आप लोग ये चीज़ें आप लोगों को समझ में नहीं आती हैं। तो जनरली देखो, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले आप लोगों को पता चलना चाहिए मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स जनरली देखो, ये क्लासिकल फिजिक्स के अंदर आती है, ओल्ड फिजिक्स के अंदर आती है। तो मैकेनिक्स क्या है कि फिजिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की या तो रेस्ट में स्टडी करेंगे या फिर किस में स्टडी करेंगे, मोशन में। ठीक है, तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट या फिर कह सकते हो और एट मोशन। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसकी स्टडी करनी है, या फिर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई बाइक चल रही है, आप कोई पूछेगा कि बाइक की कुछ बोलेगा कि इस स्पीड से जा रही है, इतने टाइम के बाद बाइक कहाँ पहुँचेगी। ठीक है, एक पत्थर फेंक दिया तुमने तो बोलेगा ये पत्थर किस एंगल से जा रहा है, क्या जा रहा है, सब मैकेनिक्स के अंदर आएगा। रेस्ट में स्टडी मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है उसकी कुछ पोजिशन है, ठीक है ना, एक चार्ज ले लो कहीं पर इधर उधर, उसके बारे में पता करना है, तो सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पता कर सकते हैं। तो जनरली मैकेनिक्स को हम बच्चों 3 ब्रांच में तोड़ते हैं। पहली होती है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, स्टैटिक्स। दूसरी होती है काइनेमेटिक्स, तीसरी होती है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स मतलब होता है बच्चों रेस्ट, स्टैट मतलब होता है रेस्ट। ठीक है, तो जनरली स्टैटिक्स क्या होती है, स्टैटिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट में स्टडी करेंगे। क्या बोला मैंने, स्टैटिक्स में स्टैट मतलब होता है रेस्ट, तो स्टैट मतलब होता है रेस्ट। तो मैकेनिक्स की वो ब्रांच जहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट में स्टडी करते हैं, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में मूव ना करे, तो उस ऑब्जेक्ट की अगर हम स्टडी करें तो आप लोगों का स्टैटिक्स के अंदर आएगा। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स और जो डायनेमिक्स हैं, दोनों फिजिक्स की वो ब्रांचेज हैं जहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की किस में स्टडी करते हैं, मोशन में। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ फिर? अगर आप लोग बोलोगे यहाँ पे भी मोशन में स्टडी करते हैं, यहाँ पे भी मोशन में स्टडी करते हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? तो काइनेमेटिक्स में मोशन की स्टडी तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर वो कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं करेंगे। किसकी बात नहीं करेंगे? कॉज ऑफ मोशन, कि किस वजह से ये मोशन हो रहा है, इसकी बात नहीं करेंगे। ठीक है, डायनेमिक्स ये डायनामा वर्ड से बना हुआ है। डायनामा वर्ड है आप लोगों का ग्रीक, इसका मतलब होता है पावर। तो डायनेमिक्स क्या है? फिजिक्स की या कह सकते हो मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन में तो स्टडी करेंगे, बट यहाँ पर को हम बात करेंगे कि कॉज ऑफ मोशन क्या है, कॉज ऑफ मोशन की बात भी किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर को कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं करते हैं। तो इसके अंदर डायनेमिक्स के अंदर न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन आ सकते हैं, काइनेमेटिक्स में सिर्फ मोशन की बात करेंगे कि टाइम के साथ साथ वो मोशन कैसा हो रहा है, मतलब ये टाइम डिपेंडेंट है और एक किस वजह से मोशन हो रखा है उसकी बात नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। काइनेमा वर्ड ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, काइनेमा, काइनेमा मतलब होता है मोशन। ठीक है, डायनेमिक्स में डायनेमा मीन्स होता है क्या, पावर। ठीक है, ग्रीक वर्ड है ये सारे के सारे। क्लियर हो गया। मैकेनिक्स की 3 ब्रांचेज हो गई, 3, ये दोनों मोशन वाली है, ये रेस्ट वाली है। इसमें हम लोग कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं करते हैं कि किस वजह से वो मोशन में आई, उसकी बात नहीं करेंगे, सिर्फ जब मोशन में है तो टाइम के साथ साथ उसमें क्या मोशन हो रहा है उसकी बात करेंगे। डायनेमिक्स में मोशन की स्टडी करेंगे, ऑब्जेक्ट की मोशन में अगर है तो, लेकिन कॉज ऑफ मोशन किस चीज़ की वजह से वो मोशन में आया उसकी भी बात करेंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं आप लोगों को बात बताता हूँ, कि थोड़ा सा अगर साउंड आ रहा होगा बाहर का तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, आज थोड़ा हल्ला ज़्यादा है। ठीक है, इसके अंदर अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, कभी कभी पूछता है आपसे कि रेस्ट क्या होता है, कोई आपसे पूछता है रेस्ट क्या होता है ये बताओ, ठीक है, और कोई आपसे पूछता है मोशन क्या होता है ये बताओ, कैसे डिफाइन करोगे रेस्ट को बताओ। तो रेस्ट को अगर आपने डिफाइन करना है तो देखो, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ये बोर्ड है, बोर्ड के सामने मैं खड़ा हूँ, अगर आप लोग देखोगे मेरी जो पोजीशन है, देखो टाइम के साथ साथ बोर्ड के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है, बताओ मैं यहीं पे हूँ, इसका मतलब मैं अभी कह सकता हूँ कि मैं रेस्ट में हूँ, क्योंकि ना तो मैं इधर को जा रहा हूँ ना इधर को जा रहा हूँ। तो रेस्ट क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, ठीक है,
अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो उसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। जैसे आपने एक टेबल में बुक रख दी है और उसको हिलाओ मत, तो टाइम के साथ साथ पूरे रूम के वॉल्स के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन में चेंज अगर नहीं हो रहा है तो कह सकते हो आप वो रेस्ट में है। आया समझ में? और मोशन का मतलब ये, कोई ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करे तो हम बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में। आगे समझ में? लेकिन एक बात बताऊँ, रेस्ट और मोशन समझ में तो आया, लेकिन ये एक दूसरे से रिलेटिव है या रिलेटेड है? रेस्ट और मोशन एक दूसरे से रिलेटेड है। अब आप लोग बोलोगे कि रेस्ट और मोशन एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं? देखो ना, मैं बोल रहा हूं कि अभी मैं इस बोर्ड के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हूं, क्लियर दिख रहा है? अब मेरे सामने से कोई एक बाइक वाला जा रहा है ऐसे, अभी तो आप लोग भी रेस्ट में हो अपने घर में, कैमरे से देख रहे हो मुझे, बोर्ड के रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूँ। अब क्या है कि देखो, तुम लोगों को लग रहा है यहाँ पर कोई इंसान बैठा हुआ बोल रहा है तू तो रेस्ट में है, लेकिन एक इंसान बाइक चलाते हुए जा रहा है, तो बाइक चलाते हुए जाने वाला इंसान क्या कहेगा? जब वो इधर को जा रहा है तो बोलेगा कि तू तो इधर को जा रहा है, ऐसा ही तो होता है ना। पेड़ देखे आप लोगों ने रोड में, अगर आप खड़े हो पेड़ रेस्ट में दिखते हैं, लेकिन चलती हुई बस से जब आप पेड़ों को देखते हो तो आपको क्या लगता है कि पेड़ मूव कर रहे हैं। इसका मतलब जो चीज रेस्ट में है आप लोगों को लग रहा है वो मोशन में भी हो सकती है। तो इसका मतलब रेस्ट और मोशन एक दूसरे से रिलेटेबल है। जैसे हम अर्थ में हैं अभी, हमें लग रहा है अर्थ रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही आप मून में चले जाओगे आप देखोगे कि अर्थ तो रोटेट कर रही है। आया सच में? तो इसका मतलब मैं आप लोगों को ये भी बता रहा हूँ कि रेस्ट और मोशन एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब कि आप किसी भी चीज़ को रेस्ट बोल रहे हो तो एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में बोल रहे हो तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बोल रहे हो। तो मोशन वाली बॉडी भी रेस्ट में हो सकती है। कैसे? अगर आप लोगों ने देखा होगा दो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से जाए हैं, ठीक है, दो बसें सेम स्पीड से जा रही है, तो इस बस के पैसेंजर देखेंगे कि इस बस के पैसेंजर अगल बगल में है और ऐसा लगेगा मूव नहीं हो रहा है। जैसे एक बस है, एक बस में आप लोग जा रहे हो, ठीक है, तो आप और आपके बगल में आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, तो आप जब एक दूसरे को देखते हो आप लोगों को लगता है आप दोनों रेस्ट में हो, लेकिन जब कोई बाहर खड़ा हुआ बस के आदमी आप लोगों को देखेगा तो देखेगा आप दोनों तो भाग रहे हो। इसका मतलब रेस्ट और मोशन एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। आया समझ में? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट बात मैं आप लोगों को बताता हूँ पॉइंट ऑब्जेक्ट की। कभी कभी आपसे कोई पूछेगा कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, तो अब बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की। आज मेरे को बहुत बाहर से डिस्टर्बेंस फील हो रहा है, ठीक है, तो बात कर रहे हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। कोई आपसे पूछता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन है पॉइंट ऑब्जेक्ट की। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज के कंपैरिजन में, इसका साइज इतना ही तो है ना, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज के कंपैरिजन में अपने साइज से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर दे, देखो ये ऑब्जेक्ट ने इतनी डिस्टेंस कवर करी है, ठीक है, इसका साइज इतना है, तो उस केस में उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। आ गया समझ में? जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन का साइज कुछ है, सपोज चलो 500 मीटर की ट्रेन है, 100 किलोमीटर चले गई, तो 500 मीटर के कंपैरिजन में उसने डिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा कवर की है ना, उस समय वो ट्रेन पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी। अगर ये ऑब्जेक्ट इतनी सी डिस्टेंस कवर करता, देखो ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहीं पे मूव किया, तो अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि इसने अपने साइज के कंपैरिजन में कम डिस्टेंस कवर करी है, तो अभी आप इसको बोलोगे ऑब्जेक्ट। क्या बोलोगे? ऑब्जेक्ट। और ये पॉइंट ऑब्जेक्ट कब हो जाएगा? जब ये अपने साइज के कंपैरिजन में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, अदरवाइज ये ऑब्जेक्ट होगा। जैसे एक ट्रेन है 600 मीटर की, 50 मीटर आगे बढ़ी सिर्फ, तो उस समय आप उसको ऑब्जेक्ट बोलोगे, और वही 600 मीटर की ट्रेन 1000 किलोमीटर दूर चले गई, तो 600 मीटर के कंपैरिजन में 1000 मीटर डिस्टेंस कवर करिए, तो उस समय वो आपका क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया? जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है ना, तो अर्थ की सन से डिस्टेंस है 1.5 × 10⁻¹⁻ मीटर, तो सन के लिए अर्थ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन हमारे लिए अर्थ एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है। तो ये है हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट है, कोई परेशानी, आप पूछो, नेक्स्ट लेक्चर में हम सीधे आगे कुछ टॉपिक में बढ़ेंगे। थैंक यू।